फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ राधिका के चाचा की अचानक से डेथ हो गई है और उसकी मम्मी उसे लेके गई है हॉस्पिटल और समर ने कहा है कि वो पीछे से पहुँचेगा। पर ये क्या, उन लोगों के जाते ही यहाँ पर समर इतना खुशी मनाने लगा कि मेरी मम्मी की कॉलर पकड़ी ना, अभी खुद के रोने के दिन आए, अच्छा हुआ चाचा गुजर गया। ये तो बहुत गलत बात है समर, ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। किसी के गुजर जाने में तुम्हारी मम्मी के आराधिका की मम्मी ने कॉलर पकड़ा, इससे तो कोई ताल्लुकात नहीं है। और यहाँ पे उसके चाचा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो तुम बोल रहे हो कि अच्छा हुआ उसके चाचा गुजर गए, ये सब बोलना बहुत गलत होता है। इंसान हो, थोड़ा तो इंसानियत रखो। अगर ये इंसानियत भी तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारे ब्लॉग देख के हमें क्या वो लगेगा। हमें तो यही लगेगा ना, तुम बस पैसे ही कमाना जानते हो, उससे ज़्यादा तुम इंसानियत को कोई अहमियत नहीं देते। और यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें राधिका से बोलना चाहूँगी, राधिका मम्मी के साथ गई हो तो ज़रूर गई हो, जो भी लेके गई हो वापस जल्दी आ जाना, क्योंकि यहाँ पे माँ बेटे के हाथ में फ्लैट तो ज़रूर लग गया है, अब फ्लैट वाली भी लगने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि समर जिस जैसा इंसान है उसे बस एक औरत का सहारा चाहिए। गुनगुन नहीं तो राधिका सही, राधिका नहीं तो गुनगुन ही सही। रोशनी का तो देख ही लिया एग्जाम्पल, इसीलिए तुमको हिदायत देती हूँ कि तुम जल्दी अपने जो भी है अपना वहाँ पे शोक सभा जो भी हो वहाँ पे तुम मनाओ और उसके बाद सीधे घर लौट के आओ अपने पति के साथ, क्योंकि तुम्हारा पति यहाँ पे सही नहीं है। उसे यहाँ पे इतनी खुशी हो रही है कि तुम लोग घर से चले गए, क्योंकि तुम लोग तो टॉर्चर करते हो ना भाई, तुम लोग तो जो तो उसको बोलते हो, उसकी मम्मी की कॉलर पकड़ते हो, उसकी मम्मी को बात सुनाते हो। चाहे उसकी मम्मी जितनी भी गलत हो, पर बोलना तो बहुत ख़राब लग जाता है समर को, है ना समर? पर अब मुझे ये चीज़ देखना है कि अगर तुम कोई भी जगह फसान फंसे तब तुम्हारी मम्मी तुमको कितना हेल्प करती है और गाँव कितना भागती है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को जब भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत होती है उस टाइम में तुम्हारी मम्मी वहाँ पर नहीं रहती, तुम्हारी मम्मी 9-10-11 हो जाती है और तभी राधिका की मम्मी तुम्हारा सहारा बनती है और उसी इंसान के पीठ पीछे तुम ये बातें कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है और समर कितने दिन खैर मनाता है। तो चलिए, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।